सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा एक ब्रीफ दूंगा इंदौर के बारे में। अगर आप 12th पास किए हैं एंड आप यहाँ स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी होनी चाहिए शुरुआत में आते वक्त, क्योंकि ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जानकारी नहीं थी और मैंने एक साल तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था समझते, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप नए हैं इंदौर में, आप स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैं इसमें आपको लास्ट में एक हेल्थ टिप देने वाला हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम इंदौर में थोड़ी ज़्यादा आती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपको इंदौर क्यों आना चाहिए। तो इसका आंसर है कि ये एक एजुकेशनल हब है, साथ में ये क्लीनेस्ट सिटी है एंड द सेफेस्ट सिटी है। एंड अगर हम बात करें ईज ऑफ लिव इंडेक्स की, तो ये 8th पोजीशन पर है फॉर इंडिया में। एंड देन ये भोपाल 10th में नंबर पर है, यानी ये 8th, तो ये दो कदम आगे ही है भोपाल से। अगर मैं आपके ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात करूँगा तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल सर्विसेज है लाइक चलो ऐप, और जिसपे आप बस ट्रैक कर सकते हैं। आपके लिए बस पास है 200 रुपीज़ में, एंड देन आई बस जो आपको पूरी सिटी में आप कहीं भी जा आ सकते हैं। आपके लिए बहुत ही लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंस सिटीज़ में यही होता है कि आपको एक से दूसरी जगह पर जाना, जिसमें ऑटो और रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा आपसे पैसे लेते हैं। बात करते हैं सम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोनों चीज़ों का, तो आप उसमें जाकर पूरा देख सकते हैं कितने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंदौर में। एंड मैं आपको लिए कुछ बता देता हूँ, जैसे DAVP यूनिवर्सिटी से ओरिएंटल यूनिवर्सिटी। एंड कॉलेजेस की बात करें तो महाराजा रंजीत सिंह ऑफ प्रोफेशनल साइंस एंड प्रेस्टीज कॉलेज एंड VNS कॉलेज एंड अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट एंड आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज एंड होलकर कॉलेज, तो ये सारे फेमस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंदौर में। अगर अब हम बात करते हैं सम फेमस कोचिंग सेंटर्स के बारे में इंदौर में, जो कि आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत सारे कोर्सेज लाइक MPPSC, CAT, GATE, SSC, CGL, MPSI, ये सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कौटिल अकेडमी, आनंद सुपर 100, आज़ाद P3 अकेडमी, PS अकेडमी, ये सारे फेमस नेम हैं और भी बहुत सारे हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ हॉस्टल्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं हॉस्टल PG एंड रूम के बारे में, तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा आपको हॉस्टल के बारे में, क्योंकि हॉस्टल में आपको आपका कितना 6,000 या 5,000 तक ज़्यादा है, एंड देन उतना ही अगर आप रेंट करते हैं रूम, दो लोग रहते हैं तो आपका दोनों को मिला के 5,000 एंड प्लस 2 to 4,000, तो दोनों को मिला के 9,000 तक जा सकता है। क्योंकि अगर आप 5,000 या 4,000 का एक रूम लेते हैं तो वो आपको 2,000 शेयर करना पड़ेगा। हॉस्टल भी 5 to 6 में मिल जाएगा, बिकॉज और उसमें आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी रूम में, जैसे कि वाईफाई हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रूम क्लीनिंग, वॉशरूम क्लीनिंग एंड ये 24/7 वाटर लाइट, ये सब नहीं मिलते हैं। तो 500 या 1,000 रुपीज़ ज़्यादा होता है हॉस्टल में, बट ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, तो आपको जैसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा सजेशन हमेशा से ही रहा है कि आप हॉस्टल या PG लें रूम के, उससे अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कर सकते हैं, आपको खाना बनाना है, आप या 3-4 लोग हैं, तब जाके आपके लिए रूम बहुत अच्छा होगा। तो मैं प्रेफर करूँगा हॉस्टल। मैं सारे हॉस्टल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, जिससे आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वह 2-3 फेमस नेम्स मैं बता देता हूँ, जैसे सत्कार बॉयज़ हॉस्टल हो गया, एज़ वेल एज़ गर्ल्स भी यही होता है कि आप ये सब करिए। एंड देन ये हॉस्टल्स भी गर्ल्स के लिए बेटर ही रहते हैं, वो ज़्यादातर सेफ ही रहते हैं। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट इंडिपेंडेंसी फॉर बॉयज़, हॉस्टल्स में मिल जाती है, 10 o'clock के बाद आ जा सकते हैं। तो मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे सत्कार बॉयज़ हॉस्टल हो गया, ओके, एंड एकम बॉयज़ हॉस्टल। स्ट्रेंजर लिविंग थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो स्ट्रेंजर लिविंग ले सकते हैं। एंड एज वेल एज गर्ल्स के लिए भी सत्कार है, ट्यूलिप गर्ल्स हॉस्टल है, और मैनी ऑफ गर्ल्स हॉस्टल इंदौर में है। अगर आपको कोई भी हॉस्टल से रिलेटेड क्यूरी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं आपके बारे में वो सॉल्व कर दूंगा। एंड देन अगर मैं प्रेफर करूँ तो मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है रूम रेंट इन इंदौर, तो मैं उसी में रहता हूँ, तो मैं वो हॉस्टल आपके लिए प्रेफर करूँगा, बॉयज़ हॉस्टल, जहाँ पर आपको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, एंड अच्छा माहौल है यहाँ का, पूरा पढ़ाई का माहौल है। एंड देन यहाँ पर ये एक्चुअली PG है, एंड यहाँ पर आपको फूड के लिए अलग से जाना पड़ता है, फूड इंक्लूडेड नहीं है।
एंड अगर मैं फूड की बात करूँ तो अगर जो लोग हॉस्टल्स में पीजी में फूड अवेलेबल नहीं है तो वो मेरी एक वीडियो है बेस्ट फूड इन इंदौर नाम से मेरे चैनल पे आई बटन पे आ रही होगी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा है, मैं रिकमेंड कर इसलिए करूँगा कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस उस जगह पर है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उस चीज़ के लिए। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं लास्ट में आपको एक हेल्थ टिप देने वाला हूँ, तो हेल्थ टिप ये है कि आप हमेशा आरओ वाटर प्रेफर करें इंदौर में, विदाउट आरओ वाटर आप बिल्कुल भी प्रेफर ना करें, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जॉन्डस होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा कोई घबराने वाला वो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत रेयर चांसेस में हो जाता है जो लोग सही वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, सही पानी का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए हो जाता है। तो हमेशा प्रेफर करें आप जिस भी हॉस्टल रूम या कुछ भी जिस भी तरीके से आप पानी का यूज़ करें तो आप हमेशा आरओ वाटर प्रेफर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसमें क्या क्या और चीज़ें जोड़नी चाहिए थी मुझे, और क्या क्या चीज़ें आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं फाइंड करने में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मेरे को DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम और अच्छे से किसी पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताऊंगा एंड और डिटेल में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कॉलेज कोचिंग्स के बारे में बात करूंगा। तो अभी बस इतना ही, गुड बाय, टाटा, सी यू।